ट्रीटमेंट ऑफ प्लांटर फेशाइटिस टाइप ऑफ हील पेन। प्लांटर फेशाइटिस क्या होता है, किस तरह की हील पेन होती है प्लांटर फेशाइटिस में, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। और अगर आपकी हील पेन प्लांटर फेशाइटिस टाइप की हील पेन है तो उसके लिए ये जो ट्रीटमेंट है वो आप घर में कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के आपने 5 मिनट की वॉक करनी है, ये सुबह के टाइम आपने ट्रीटमेंट करना है, वो बेस्ट रहता है। प्लांटर फेशाइटिस की पेन का जो जो मेन सिम्टम है ना, मेन अलामत में जो मेन अलामत है वो ये है कि सुबह उठ के पेन बहुत ज़्यादा होती है, एक दो कदम चलना भी मुश्किल हो रहे होते हैं। तो आपने सुबह उठ के ही ट्रीटमेंट करना है, 5 मिनट पहले वॉक कर लेनी है वार्म अप के लिए, जिससे आपका प्लांटर फेशिया मसल जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने कोल्ड थेरेपी करनी है। कोल्ड थेरेपी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बोतल यूज़ किया है जो आपके घर लिए आपके लिए ईजिली अवेलेबल है। आप घर में जो है वो ठंडे पानी की बोतल लेके और उसके ऊपर इस तरीके से हील के नीचे रख के तो उसको पाँव को उसके ऊपर मूव करेंगे 10 टाइम्स करनी है। नेक्स्ट जो है वो है आपके काफ मसल स्ट्रेच। काफ मसल स्ट्रेच किस तरह किया जाता है, इस तरीके से आप थेराबैंड ले सकते हैं, या अगर नहीं है आपके पास तो आपको दुपट्टा वगैरह यूज़ कर लें और वो फिंगर के अराउंड आपने रैप करके दोनों हाथों से पकड़ के तो पाँव को अपनी तरफ खींचना है, थोड़ी देर खींच के रखना है, देन रिलैक्स कर दें। उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है प्लांटर फेशिया स्ट्रेच। प्लांटर फेशिया जो हमारी सोल ऑफ द फुट, फुट के जो सोल में जो एक फेशिया टाइप एक लिगामेंट होता है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि प्लांटर फेशाइटिस जो होता है उसमें ये प्लांटर फेशिया टाइट हो जाता है, इसको हमने स्ट्रेच करके रिलैक्स करना होता है। ये आपने इस तरीके से सेल्फ स्ट्रेच कर सकते हैं, हील को एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से आप अपने फिंगर्स ऑफ द फुट पकड़ेंगे, टोज ऑफ द फुट यू कैन से, और आपने उसको खींचना है, ठीक है। 15 टाइम्स के लिए आपने ये स्ट्रेच करना है। जो नेक्स्ट आपने अगेन यही कोल्ड थेरेपी करनी है। इनफैक्ट कोल्ड थेरेपी को 2 दफ़ा करने का मकसद यह है कि स्टार्ट में आप कोल्ड थेरेपी करते हैं, उससे थोड़ा सा आपका जो फेशिया है प्लांटर फेशिया वो रिलैक्स होता है, और उसके बाद आप जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो पेन थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर अगेन आप कोल्ड थेरेपी करते हैं ताकि आपकी पेन थोड़ी सी कम हो जाए। थैंक यू।